हे गाइस, सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे टू स्विट्जरलैंड में और हम लोग जा रहे हैं बर्न एक्सप्लोर करने। बर्न इज़ द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। अभी बज रहे हैं यहाँ पर सुबह के 6:15। हम लोग 5:15 के उठे हुए हैं। मेरा OOTD हमारा थोड़ा मैस हुआ हुआ है और ये मैं हूँ इधर। ये मेरा बैग है। आज मैं पूरा येलो आउटफिट में हूँ, येलो स्वेटर, येलो बैग, येलो टोपी। अभी बंद है क्योंकि इट्स टू अर्ली, बट देख लो इतने अंधेरे में हम लोग निकले हैं। सुबह 5 बजे के उठे हुए हम लोग आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे ये बेसिकली ICE ट्रेन चलती हैं, जो हाई स्पीड ट्रेन होती हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ठंड काफ़ी हो रही है इसलिए मैंने 2 टोपी लगाई हुई है, काफ़ी ठंडा हो रहा है। इधर हम लोग बेसिकली वो इसमें जाएंगे, ये वाली में 2 डबल डेकर टाइप्स। ये सीढ़ियाँ हैं, ये स्टेयर से चढ़ के हम लोग कहीं पे भी बैठ सकते हैं। ये ऊपर डबल डेकर है तो मैं ऊपर आ रही हूँ बेसिकली। एंड ऐसे कैबिन्स बने हुए हैं यहाँ पे। ओह नाइस, ये देखा यहाँ पे। और ये इंटरकनेक्टेड है, आप यहाँ से देख सकते हो इंटरकनेक्टेड है। मैं यहाँ भी जा सकती हूँ, ये वॉशरूम है और ये दूसरा कैबिन है। यहाँ से मैं इसको खोलूँगी तो कोई किसी और के कैबिन में चले जाऊँगी, बट आई विल जस्ट टेक अ टर्न एंड गो बैक। यहाँ से खुल जा, ये ऐसा है, काफ़ी सही सी है। बर्न यहाँ बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो रहा है। आई थिंक स्नोफॉल अभी रिसेंटली हुई है। अभी मैं खड़ी हुई हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो ये बर्न का शहर है। ये पीछे मेरे एक क्लॉक टावर है एंड यहाँ पे बेसिकली कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड है। ये है यहाँ का पार्लियामेंट। वो दिखाते हैं एक बहुत ही सुंदर सा अमेजिंग व्यू। ये जा रही हूँ मैं इनकी पार्लियामेंट के अंदर और यहाँ पे आपको बिल्कुल स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिख जाएंगे। मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ तो दिख पाएंगे शायद। तो ये हो रही है ये पीछे एक और ब्लॉगर इन द मेकिंग और ये मैं। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा व्यू है, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा स्नो कवर्ड पीक्स और घरों के ऊपर थोड़ी थोड़ी स्नो गिरी हुई है। काफ़ी सुंदर और बहुत फ्रेशनेस है एयर में। तो दिखाते हैं आपको पूरा व्यू। इसका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ बर्न। क्रिए क्लॉक, उसका नाम है जिग क्लॉक और ये बहुत ही फेमस क्लॉक है यहाँ की बर्न की। हर घंटे में इसमें म्यूजिकल शो होता है। हमने स्पॉट किया है कुछ बटर क्रूसॉन्ट। क्लॉक है हिस्टोरिकल क्लॉक और ये हर 1 घंटे में बजती है। गेस कर लो ये क्या है, क्या दिख रहा है आपको ये। मैं थोड़ा सा जूम और कर देती हूँ।
मैं बता भी देती हूँ, ये एक बियर है जिसने मास्क पहना हुआ है अलग तरीके का, तो यहाँ पे ये इनका सिंबल है, तो ये काफ़ी यूज़ करते हैं। बियर आपको काफ़ी जगह दिख जाएंगे। से इंटेलिजेंट इंसान का घर जो कि बिल्कुल मेरे सामने है, आइंस्टाइन हाउस। E is equal to MC square यहीं से ओरिजिनेट हुआ था, जो लोग भी साइंस पढ़ते हैं उनको पता होगा। सेकेंड फ्लोर पे था उसका घर। अच्छा, ओके। E is equal to MC square, welcome to Einstein's apartment, welcome in Einstein's one room. यहाँ पे हर स्टेट के अपने फ्लैग्स होते हैं, अपने झंडे होते हैं, हर स्टेट के अपने अपने झंडे हैं, तो वो एक नई चीज़ जो है मुझे पता चली यहाँ आने के बाद। बाकी व्यू तो इस जगह का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है, और थोड़ी सी हल्की हल्की धूप भी निकल गई है। यहाँ का रॉथ हाउस है, और यहाँ पे बेसिकली आपको सारे कैंटन्स के फ्लैग्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाती हूँ, तो ये है अलग अलग तरीके के फ्लैग्स, और ये साइड पे यहाँ पे इनकी एक और बिल्डिंग बनी हुई है। मेरे पीछे ये आप चर्च देख सकते हो, और मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, हल्की हल्की सी धूप आ रही है थोड़ी थोड़ी, और सामने काफ़ी सही सा व्यू दिख रहा है। पीछे आप लोग देख सकते हो कैथीड्रल ऑफ बर्न, इधर इतना लंबा है ये कि मैं कटूंगी पूरा नहीं आएगा ये, और ये मैं हूँ। अभी जा सकते हैं वैसे, तो हम लोग अभी इसके अंदर जा रहे हैं, एंड इसका गेट जो है काफ़ी सही बना हुआ है। इसको मैं दिखाती हूँ आपको, काफ़ी अच्छे से इन्होंने इसमें बारीकी से काम किया हुआ है। तो ये सीढ़ियों पे सीढ़ियाँ, हम लोग पता नहीं कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं, अभी हम चढ़ते ही जा रहे हैं, कम से कम 100 सीढ़ियाँ तो चढ़ ली होंगे हम अभी तक, एंड मैं चढ़ती जा रही हूँ। ये चर्च के ऊपर बिल्कुल टॉप व्यू का पॉइंट है, मैं दिखा हुआ है। We have made it to the top, and oh, हम यहाँ के चर्च के बिल्कुल टॉप पर आ गए हैं, एंड ये आपको ब्रिज दिख रहा होगा, और इधर पूरा व्यू है। अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो चिमनीज भी दिखेंगी, घरों के अंदर चिमनीज का धुआं दिख रहा होगा। ये देखो यहाँ पे इधर दिख रहा होगा, ये इधर, विद द व्यू, कितना सुंदर व्यू, स्नो कवर्ड। आए हुए हैं गुटन, तो देखते हैं यहाँ क्या होता है। सब कुछ बहुत जल्दी बंद हो जाता है, अभी 3:30 हुए हैं और इतनी शांति हो चुकी है, ऐसा लग रहा है कि सब कोई सब बंद बंद कर कर आके निकल चुके हैं। ये है गुटन, है एक रोपे जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, ये है इसमें बैठे हुए हैं हम, ये सीट्स हैं यहाँ पे बैठने के लिए, और ये फंक्शन में बनाया हुआ है, और ऐसे एलिवेशन में आपके बहुत सारे सीट्स हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे स्लेजिंग करने आए हुए हैं, मैंने अपना फर्स्ट टाइम स्लेजिंग किया था श्रीनगर में, एंड आई एम थिंकिंग कि यहाँ पे तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। छोटे बच्चे इतनी ज़्यादा स्लेजिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग भी अपना स्लेज लें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए, तो बच्चे पागल हुए पड़े हैं। इनको देख के हम लोगों का भी मन कर गया कि कुछ अलग करा जाए, तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग भी स्लेज लेते हैं।
हमने ले लिए है स्लेजिंग के लिए हमारी राइड। ये देखो मेरी राइड है ये। अभी मैं इस पे बैठ के ऊपर से आऊंगी, कहाँ से वहां से, और ये लेके जा रही हूँ मैं ऊपर। स्लिपरी है। और ये हम चालू कर दिया है हमने। कहाँ जा रहे हैं हम? हमारी स्लेजिंग लेके ऊपर ऑन द पीक। ये शानी, और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं ऊपर। हम देखो बताऊंगा। ये शानी से खींचते नहीं बन रहा है, इसीलिए कहा था ये हल्की वाली ले। ईशानी और वो सामने स्विट्जरलैंड की माउंटेन्स दिखती हुई आप देख सकते हैं। ये हम ले आए हैं और वो देखो आप, माउंटेन्स दिख रही हैं, सारी बड़ी बड़ी पीक जो हैं वो वहाँ पे दिख रही हैं। आज 11.5 किलोमीटर चलने के बाद अब हम लोग बहुत थक चुके हैं और आज हम लोग, मैं व्लॉग यही एंड करती हूँ। ओके गाइस, बाय।